हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस राजस्थान बोर्ड की, और जिसमें चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम देखेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो रेशम के कीड़े होते हैं उनका पालन किया जाता है। और क्यों पालन किया जाता है? ताकि इनसे रेशम का फाइबर मिल सके, ठीक है। तो सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन, मतलब रेशम के जो कीड़े होते हैं उनका पालन करते हैं। और क्यों पालन करते हैं? ताकि इनसे रेशम मिल सके। और रेशम का फ़ायदा क्या होता है? रेशम बहुत ही अच्छा फाइबर होता है, इससे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं, बहुत शानदार कपड़े होते हैं, ठीक है। तो सेरीकल्चर के बारे में सारी जानकारी हम देखेंगे जो भी बुक में दे रखी है, कुछ जितनी भी है सेरीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो सेरीकल्चर अगर पूछ ले कोई आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय सेरीकल्चर, तो इसका एक तो हिंदी में पता होना चाहिए कि हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन। और डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रियरिंग का मतलब है पालन करना, मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था। तो सिल्क मौत मतलब मौत का मतलब है जो कीड़ा होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको मौत बोल देते हैं, या सिल्क वॉर्म भी बोल सकते हो। मौत की जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सिल्क वॉर्म, वॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मौत भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तो कन्फ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क, सिल्क प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीड़े का जो पालन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। और ये जो हम रेशम प्राप्त कर रहे हैं ना, ये हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सिस्टम है कि अभी करने लगे। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में, ध्यान रखना, प्राचीन समय में ये जो रेशम के कीड़े का जो पालन किया जाता था और उससे कपड़े बनाए जाते थे रेशम के कपड़े बनाने की सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में। और चाइना ने इसको हजारों सालों तक, कई सालों तक इसको क्या रखा था? सीक्रेट रखा था, ताकि दुनिया को पता ना चले। चाइना हमेशा ऐसा ही रहा है, दूसरों से चीज़ें सीख लेता है मगर दूसरों को चीज़ें बताता नहीं है, ठीक है। तो रेशम से कपड़े बनाने की शुरुआत अगर कोई पूछ ले किस कंट्री में सबसे पहले हुई थी, तो ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी चाइना में। और फिर चाइना से ही ये धीरे 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 करके बाकी देशों में फैलने लगी, क्योंकि आप कितना भी छुपा लो किसी न किसी दिन तो पता चलेगा ही। सिल्क इज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी एंड लस्टर। सिल्क अब किस लिए जाना जाता है? एक तो इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है और साथ के साथ में एक चमक देखने को मिलती है। लश्चर का मतलब इसमें एक चमक देखने को मिलती है। अब बात करें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो डेफिनेटली सबसे नंबर वन पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत। तो भारत तीसरे नंबर पर आता है किसके मामले में? सिल्क प्रोड्यूस करने के मामले में, सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का नाम तीसरे नंबर पर आता है। तो ये तो हुई एक बेसिक जानकारी। इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सिल्क लाइक थ्रेड आर कॉल्ड सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मॉथ यूज करो या वॉर्म, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अब सिल्क मॉथ बोलूँगा आगे से, ध्यान रखना। तो ऐसे कीड़े, इंसेक्ट का मतलब ऐसे कीड़े, ऐसे कीट, इंसेक्ट को हिंदी बोलते हैं कीट, ऐसे कीड़े या कीट जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिल्क मॉथ, ठीक है ना। अब ये जो रेशम का कीड़ा है ना, ये एक स्पेशल प्लांट की लीव्स पर, ये मतलब क्या करता है, स्पेशल प्लांट्स की लीव्स इसको खिलाई जाती हैं और उस प्लांट का नाम है मलबरी। मलबरी को बोलते हैं सैतूत। ये प्लांट आपने देखा होगा, सैतूत ये खाए भी होंगे आई होप आपने, बहुत प्यारे मीठे फल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, और बहुत सारी जगह पर आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो इसका पालन कहाँ पर किया जाता है, ध्यान रखना, रेशम का जो कीड़ा है इसको कहाँ पर उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है मलबरी लीव्स, मलबरी मतलब सैतूत की पत्तियों पर इसको ग्रो किया जाता है। और हमारे भारत में जो सबसे ज़्यादा जो रेशम के कीड़े का पालन किया जाता है वो स्पेसीज है बॉम्बैक्स मोरी। ध्यान देना कौन सी स्पेसीज को हम पालते हैं, रेशम के कीट की कई सारी स्पेसीज हैं, हम जो ज़्यादा पालते हैं वो है बॉम्बैक्स मोरी। बॉम्बैक्स मोरी को हम सबसे ज़्यादा पालते हैं, ठीक है। और ये जो बॉम्बैक्स मोरी है ये ऑर्थोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है, और सब ग्रुप की बात करें तो इसका सब ग्रुप है लेपिडोप्टेरा, ठीक है ना। और भारत में एक साल में 2 से 7 जनरेशन को पाल लिया जाता है, मतलब एक ही साल में 2 से लेकर 7 जनरेशन रेशम कीट की पाल ली जाती है हमें, मतलब 2 से 7 बार हमें प्रोडक्शन कर लेते हैं किसका, सिल्क का। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, जो सिल्क का कीड़ा होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कैसे उसका पूरा की पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है अपना सिल्क मॉथ, क्या है, सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ पहले क्या करेगा, अंडे ले करेगा, अंडे दे देगा, या कई मतलब बहुत सारी मात्रा में क्या देते हैं, अंडे ले करते हैं, अंडे देते हैं, तो ये अंडे कौन देगा, फीमेल सिल्क मॉथ देता है, ठीक है।
ये अंडे बड़े होकर इनमें से लार्वा बाहर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, लार्वा बाहर निकल के आएगा और लाइवा बड़ा होकर डेवलप हो जाएगा इस वाली शेप में, इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ध्यान देगा, अंडों में से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, लार्वा बड़ा होकर क्या बन जाएगा, कैटरपिलर बन जाएगा। फिर कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाएगा, मलबरी की लीव्स को खाएगा और एक समय ऐसा आएगा ये खाना बंद कर देगा। खाना बंद करके फिर ये प्रोड्यूस करता है क्या, सिल्क। क्या प्रोड्यूस करेगा, सिल्क। ऐसे करके ये प्रोड्यूस करता जाएगा, अपने चारों तरफ थ्रेड बनाएगा, बनाता रहेगा बनाता रहेगा, और बीच में फिर खुद यहाँ पे खुद रह जाता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाता है, इसको हम बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून। और इस कोकून के भीतर जो सिल्क का कीड़ा वो इसके अंदर रहता है, और उसको बोलते हैं प्यूपा। क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलेंगे। और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे कोकून। तो ध्यान देना, लाइफ साइकिल में हम यही देखेंगे कि सिल्क मॉथ जो होता है पहले अपने अंडे देता है, फिर ये लार्वा में कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये सिल्क प्रोड्यूस करता है और ये बनाता है कोकून, और कोकून के बाद में इसमें से कीड़ा जो निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं सिल्क मॉथ। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अडल्ट, अडल्ट मतलब इस कीड़े की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अडल्ट है, अडल्ट अपियर्स लाइक मॉथ। ये जब बड़ा हो जाता है तो ये मॉथ की तरह दिखता है, मतलब इस प्यूपा में से निकलेगा बाहर, बड़ा होकर ये किसकी तरह दिखाई देगा, इसमें प्यूका प्यूप इसके अंदर जो कोकून है, कोकून के अंदर भीतर ये सिल्क का कीड़ा पाया जाता है, ये कैटरपिलर क्या बन जाता है, बड़ा कीड़ा बन जाता है इसके अंदर, और बाहर निकल के आएगा, इसको सिल्क मॉथ बोलेंगे। ये फीमेल सिल्क मॉथ से मिलेगा और जब फिर रिप्रोडक्शन होगा और फिर इसमें से कई सारे अंडे बाहर निकलेंगे। तो ध्यान देना, जो अडल्ट होता है वो मॉथ की तरह दिखाई देता है, इसकी तरह दिखाई देता है। इसका कलर पेल ब्राउन होता है, थोड़ा पीला और ब्राउन कलर का सा होता है। फिर दूसरी स्टेज है एग। ये जो है सिल्क मॉथ, ये क्या करेगा, एग ले करेगा, बहुत सारी संख्या में एक किस्म से एग निकलते हैं। तो ये सिल्क मॉथ जो है अपने अंडे अंडे कहाँ पर देता है, मलबरी की लीव्स पर, मतलब शहतूत की पत्तियों पर अपने अंडे देता है। इन अंडों को इकट्ठा करके किसानों को बेच दिया जाता है कि लो भाई इनको ले जाओ और इनको आगे आप पालन पोषण करो। फिर इन अंडों में से निकलता है लार्वा, क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। तो आफ्टर ओरिजिन ऑफ एग्स लार्वा कम आउट, ठीक है, लार्वा बाहर निकल के आता है, जिसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। क्या बोलेंगे, कैटरपिलर या सिल्क वर्म बोलते हैं। ये लार्वा किसको खाता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है, और ये लार्वा बड़ा होकर 5 गुना तक बढ़ जाता है। लार्वा जो ग्रो होकर 5 गुना तक बढ़ जाएगा, ओरिजिनली इसका जो भी साइज था उसके 4-5 गुना तक बड़ा हो जाता है। लार्वा में स्पेशल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं सिल्क ग्लैंड्स। ये सेलाइब्री ग्लैंड्स होती हैं, और ये इनकी सेलाइवा में से जो चीज़ निकलेगी वही क्या है, सिल्क है। लार्वा रिलीज लिक्विड प्रोटीन, लार्वा में से एक लिक्विड प्रोटीन निकलती है जो हार्ड होकर क्या बन जाती है, फाइबर बन जाती है, जिसको हम सिल्क बोलते हैं। तो लार्वा जो है क्या रिलीज करेगा, एक लिक्विड प्रोटीन रिलीज करेगा ये जो लार्वा है, और वही प्रोटीन हार्ड होकर क्या बन जाएगी, फाइबर बन जाएगी, ठीक है। तो ये सिल्क मॉथ, फिर ये अंडे देगा, ये अंडे देगा, अंडे देने के बाद ये लार्वा निकलेगा, कैटरपिलर बोलते हैं, फिर ये बनाएगा कोकून। क्या बनाएगा, कोकून और प्यूपा, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो लेंथ ऑफ फुली डेवलप्ड लार्वा इज 7.5 सेंटीमीटर। जो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है लार्वा, तो उसकी लेंथ हो जाती है लगभग लगभग 7.5 सेंटीमीटर तक हो जाती है, कम भी हो सकती है। और फुली डेवलप लार्वा, जो पूरी तरह से लार्वा डेवलप्ड हो जाता है, वो फिर खाना बंद कर देता है, और खाना बंद करने के बाद वो कोकून बनाएगा। अब जैसे मान लो ये लार्वा है, ये क्या है, लार्वा, ये फिर खाना बंद करेगा, फिर ये क्या करेगा, ऐसे करके थ्रेड इसमें से निकलते जाएंगे, चारों तरफ अपने आप घेरता जाएगा ऐसे करके, और बीच में फिर खुद रह जाता है, ठीक है ना। तो ये बीच में जो रह जाता है इसको तो हम बोलते हैं प्यूपा, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं कोकून, ठीक है। तो इट कवर इट सेल्फ कम्प्लीटली विद सिल्क थ्रेड। तो जो लार्वा होता है ये अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है सिल्क थ्रेड से, और ये इनएक्टिव लार्वा जो अंदर रहता है कोकून के, उसी को हम बोलते हैं प्यूपा। इसको ऐसे समझोगे आप, तो ये लार्वा है, ये अपने चारों तरफ क्या कवर कर लिया, अपने आप को कवर कर लिया, और ये चारों तरफ जो चीज़ दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं प्यूपा, और सॉरी कोकून बोलते हैं, और ये भीतर जो कीड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। तो ये तो हो गया प्यूपा, ये हो गया कोकून, ठीक है ना। और यही है असली चीज़ जिससे हमें क्या बनता है, सिल्क बनता है, बाहर वाली जो चीज़ है, ठीक है ना। और प्रत्येक जो कोकून होता है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये जो कोकून होता है बाहर वाला, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें से लगभग लगभग 1000 से 1200 मीटर सिल्क थ्रेड मिलता है हमें, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। और कोकून का जो वेट होता है 1.8 ग्राम से 2.8 ग्राम होता है, जो कोकून होता है इतना ग्राम तक वजन हो सकता है। सिल्क जो होती है ये 2 प्रकार के प्रोटीन से बनी हुई होती है, अंदर वाला भाग जो होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, बाहर वाला जो भाग होता है वो सेरिसिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ,
क्या कंप्लीट हुआ? हमने देखा अभी सेरीकल्चर के बारे में देखा, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीड़े को पालन करना ही क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, चीज़ों को रिवाइज करना, पढ़ना बार बार, और आपकी मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और प्यार से बोलो जय हिंद जय भारत।